हाँ हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। और एक बार फिर मैं आप सभी ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट बुक है ना, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का हम लोगों ने फर्स्ट लेसन क्या किया था, शुरू किया था, है ना। कौन सा लेसन बच्चों? फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन आपका क्या है? फर्स्ट लेसन है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। तो इस लेसन का हम लोगों ने दो भाग पढ़ लिया, यानी पार्ट टू दो पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक का, इस लेसन का भाग तीन पढ़ेंगे, यानी पार्ट थ्री पढ़ेंगे। तो पार्ट थ्री पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो पिछले भाग एक और भाग दो में पढ़े हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है भूगोल क्या है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स क्या कर लिए हैं बच्चों, पिछले दिनों पढ़ लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट भाग तीन, यानी पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की शाखाओं के बारे में, ठीक है। तो भूगोल की शाखाएं बच्चों, आज पहले भूगोल की शाखाएं कम थी, क्षेत्र सीमित था, आज भूगोल का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है ना। तो भूगोल की कई सारी शाखाएं हैं। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं उसको हम विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम के आधार पर, ठीक है। तो भूगोल की शाखाओं को इस चार्ट में भी मैं दिखा देती हूँ आपको। भूगोल की जो शाखाएं हैं बच्चों, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर पहले दो भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है ना, ठीक। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, इन दो भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। भौतिक भूगोल जो है उसको फिर कई उप शाखाओं में बांटा गया है। भौतिक भूगोल को चार, 1, 2, 3, 4 उप शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान, दूसरी शाखा है जलवायु विज्ञान, तीसरी शाखा है जल विज्ञान और चौथी शाखा है मृदा भूगोल। उसी प्रकार दूसरी जो शाखा है मानव भूगोल, यानी भूगोल क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की दूसरी शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल को भी कई उप शाखाओं में बांटा गया है। पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है आदिवास भूगोल, चौथा है आपका आर्थिक भूगोल, पांचवा है आपका ऐतिहासिक भूगोल और छठवां है आपका राजनैतिक भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल का जो आर्थिक भूगोल की शाखा है इसके अंतर्गत इसको भी कई भागों में बांट दिया गया है। उसमें पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है खनन, चौथा है व्यापार, पांचवा है परिवहन और छठा है पर्यटन। तो ये है बच्चों भौतिक भूगोल की शाखाएं और ये हैं आपकी मानव भूगोल की शाखाएं। उसके बाद आता है हमारा तीसरी शाखा, कौन सी है, वो है जीव भूगोल की शाखाएं या जैव भूगोल भी इसको बोल सकते हैं। तो जैव भूगोल या जीव भूगोल की शाखाएं, तो जीव या जैव भूगोल की शाखाओं को चार भागों में बांटा गया है। चार इसकी उप शाखाएं हैं। पहला है जंतु भूगोल, दूसरा है वनस्पति यानी पादप भूगोल, और तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान और चौथा है पर्यावरण भूगोल,
ठीक है। उसके बाद भूगोल की शाखाओं को प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी बांटा गया है। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? तो भूगोल की कुल 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरी शाखा है प्रादेशिक विकास, तीसरी शाखा है प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है प्रादेशिक योजना या नियोजन। जो प्रादेशिक योजना या नियोजन उपशाखा है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रामीण योजना या नियोजन, दूसरा है शहरी योजना या नियोजन। इसी तरह बच्चों, प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन की जो शाखा है, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी पहला भाग है वृहद प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा है मध्य प्रादेशिक अध्ययन और तीसरा है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। तो यह है बच्चों, एक चार्ट के द्वारा मैंने भूगोल की शाखाओं को और उसकी उपशाखाओं को क्या किया है, दिखाया है या दर्शाया है। ठीक है, अब चलते हैं, जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो शाखा है भूगोल की, वो है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल की शाखा। भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के जो भौतिक तथ्य हैं, है ना, उनका भौगोलिक अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसकी भी क्या है बच्चों, प्रमुख शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की क्या हैं, प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है भू आकृति विज्ञान, दूसरी शाखा है जलवायु विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो भू आकृति विज्ञान में हम भू आकृतियों यानी स्थल आकृतियों की उत्पत्ति एवं विकास तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरी भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की जो शाखा है भूगोल की, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, पवने और जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब आता है भौतिक भूगोल की तीसरी शाखा। भौतिक भूगोल की तीसरी शाखा है जल विज्ञान, जिसको हम समुद्र विज्ञान भी कह सकते हैं। जल विज्ञान में हम महासागरीय संरचना, तापमान, लवणता, प्रवाल और महासागरों में चलने वाली धाराओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा उनका मानव पर और जो हमारे जीव हैं, है ना, उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम अध्ययन जल विज्ञान में करते हैं। चौथी भौतिक भूगोल की शाखा है मृदा भूगोल, यानी मृदा यानी मिट्टी। तो मृदा भूगोल के अंतर्गत मिट्टी का निर्माण की जो प्रक्रिया है, मिट्टी के जो प्रकार हैं और उनकी उत्पादकता का जो स्तर है, वितरण है, उपयोग है मिट्टी का, इन सारी बातों का अध्ययन मृदा भूगोल में किया जाता है। तो ये हो गई बच्चों भौतिक भूगोल की 4 शाखाएं। अब आता है दूसरी शाखा है, वो है मानव भूगोल, यानी भूगोल की दूसरी शाखा कौन सी, मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के संबंध तथा उनसे उत्पन्न जो भू दृश्य हैं, है ना, उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। मानव भूगोल की भी क्या हैं, कई शाखाएं हैं। इसकी जो शाखाएं हैं उनमें सबसे पहला शाखा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है आदिवास भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल जो मानव भूगोल की शाखा है, इसके अंतर्गत समाज, सामाजिक वर्गों और समाज के योगदान से निर्मित जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उनका अध्ययन
किया जाता है सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में। अब आता है दूसरी मानव भूगोल की शाखा, क्या है बच्चों? वो है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल में हम ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, जनसंख्या का घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन कराता है। यानी जनसंख्या भूगोल हमें इन सारी बातों का क्या करता है? अध्ययन कराता है जो जनसंख्या से संबंधित हैं, चाहे वो ग्रामीण जनसंख्या हो चाहे वो नगरीय जनसंख्या। मानव भूगोल की तीसरी शाखा है आदिवास भूगोल। बच्चों मानव का आदिवास मतलब जहाँ मानव इंसान यानी लोग रहते हैं, तो लोगों का जो आवास है आदिवास है वो दो जगहों में पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में। तो आदिवास भूगोल जो है वो ग्रामीण और नगरीय आदिवासियों का वितरण, उनका प्रारूप यानी प्रतिरूप, इनके प्रकार तथा अन्य विशेषताओं का क्या करता है? अध्ययन कराता है। तो इसमें हम ग्रामीण और नगरीय आदिवासियों का वितरण, प्रारूप यानी प्रतिरूप भी कह सकते हैं, प्रकार और अन्य विशेषताओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मानव भूगोल की शाखा आदिवास भूगोल में। अब चलते हैं मानव भूगोल की चौथी शाखा, क्या है बच्चों? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल ये मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन सी आर्थिक क्रिया? जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है एवं पर्यटन तथा खनन जैसे सेवाओं या कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? भूगोल, मानव भूगोल की शाखा आर्थिक भूगोल में। अब चलते हैं मानव भूगोल की पांचवी शाखा कौन सी है? ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो इन ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण स्थानिक परिप्रेक्ष्य में जो है वो ऐतिहासिक भूगोल में किया जा, यानी जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका विश्लेषण, उनका अध्ययन जो है वो हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। अब आता है मानव भूगोल की छठवीं शाखा, वो है राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत राजनीतिक रूप से संगठित जो क्षेत्र हैं या देश हैं उनकी सीमा, विस्तार और घटकों, उपविभागों और संसाधनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया। तो राजनीतिक भूगोल में जो देश की सीमा है, विस्तार है, वहाँ पाए जाने वाले संसाधन हैं, इन सब बातों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। तो ये छह शाखाएं किसकी हो गई बच्चों? मानव भूगोल की। अब चलते हैं तीसरी शाखा है भूगोल की, वो है जीव भूगोल। जीव को हम जैव भूगोल या जंतु भूगोल भी कह सकते हैं। जैव भूगोल या जीव भूगोल के अंतर्गत जो हमारा भूतल है यानी जो हमारी पृथ्वी का जो सतह है, धरातल है, इस पर पाए जाने वाले जो जीव हैं, है ना, जीव किसको बोलते हैं? जान होती है। तो जीवों में आपके पादप यानी वनस्पति भी आ जाती है और प्राणी भी आ जाते हैं। इनका वितरण संबंधी है ना अध्ययन जो है वो जीव यानी जैव भूगोल में किया जाता है। जैव भूगोल की यानी जीव भूगोल की भी चार शाखाएं हैं। पहली शाखा है जीव यानी जंतु भूगोल, दूसरा है वनस्पति यानी पादप भूगोल, तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान, चौथा है पर्यावरण भूगोल। तो जीव भूगोल की पहली शाखा क्या है बच्चों? जंतु भूगोल। जंतु भूगोल के अंतर्गत पशुओं एवं उनके निवास यानी जो विभिन्न प्रकार के पशु हैं उनके निवास क्षेत्र, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। यानी जंतु भूगोल में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। जीव भूगोल की दूसरी शाखा है वनस्पति यानी पादप भूगोल। पादप यानी जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, स्थानिक प्रारूप का अध्ययन, जिस
भूगोल में किया जाता है उस भूगोल का नाम है वनस्पति भूगोल। तो प्राकृतिक वनस्पति के विचरण, उनसे संबंधित जितने भी विशेषताएं हैं ना, उन सब का अध्ययन जो है वो वनस्पति या पादप भूगोल में किया जाता है। जीव भूगोल की दूसरी शाखा, तीसरी शाखा पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में प्रजातियों के निवास और या फिर उनकी स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो प्रजातियों के जो निवास हैं या उनकी स्थिति क्षेत्र है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, जीवों की, वनस्पतियों की, उन सब का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है। चौथा जीव भूगोल की शाखा है वो है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण से आपको समझ में ही आ गया होगा कि जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन जिस भूगोल में किया जाता है वो है पर्यावरण भूगोल। कौन सी समस्याओं का अध्ययन, जैसे भूमि ह्रास यानी भूमि में जो कमी हो रही है, प्रदूषण है और इनका जो संरक्षण है, इन सभी का अध्ययन जो है वो पर्यावरण भूगोल में किया जाता है बच्चों। तो ये हो गई भूगोल की तीसरी शाखा, जीव भूगोल या जैव भूगोल। अब चलते हैं भूगोल की चौथी शाखा। भूगोल की चौथी शाखा है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की भी चार शाखाएं हैं। पहली शाखा है वृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरी शाखा है ग्रामीण व शहरी आधार पर अध्ययन। तीसरी शाखा है प्रादेशिक विकास और चौथी है प्रादेशिक विवेचना या प्रादेशिक विश्लेषण। तो ये हैं बच्चों भूगोल की चार शाखाएं। पहली शाखा क्या थी, वो थी भौतिक भूगोल। दूसरी शाखा कौन सी थी, मानव भूगोल। तीसरी शाखा कौन सी थी, जीव यानी जैव भूगोल। और चौथी शाखा है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं बच्चों, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा और जो समझ में ना आए बच्चों, आप बेधड़क हमसे पूछिएगा, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका अगला भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। बहुत बहुत थैंक्स बच्चों आपको।